Welcome back to our channel, friends. This is Sonia here from Growing Craft. Our first thing reverse decoupage art on a glass plate. So, yes, first of all, whatever the supplies I am using are available at growingcraft.com. I have listed on all the supplies link in the video description box. Please do check that. एंड यस yes, पहले हम यहाँ पर कर रहे हैं हमारा फसी कटिंग वर्क अब इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेरा सिजर एंड यस द पेपर बट आई एम यूजिंग एज अ राइस पेपर यू कैन इवन यूज़ योर डिकोपाच पाच नैपकिन आप अपने डिकोपाच पेपर्स भी यूज़ कर सकते हैं सो so, यहाँ पे हमें पूरी तरह से अच्छे से फंसी कट करना है फंसी कट करने के बाद में देन वी आर गोइंग टू स्टिक इट ऑन अ ग्लास प्लेट नॉन रिवर्स टिको करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी सरफेस पे काम करेंगे वो बहुत अच्छे से ड्राई हो क्लीन हो एंड देर शुड नॉट बी एनी मार्क्स और स्क्रैचेज और एनी अगर आप किसी ओल्ड अपने प्लेट्स uh, पे या कप्स के ऊपर कर रहे हैं इट्स एप्सोल्यूटली फाइन अगर उसमें कोई मार्क्स स्क्रैचेज है यू कैन प्ले अराउंड विद कलर सो दैट यू कैन कवर इट अप अब हमारे ग्लास के पीछे पहले मैं लगाने वाले हूँ हमारा डिको पाच ग्लू सो so, यहाँ पे आई एम यूजिंग माई मॉट पॉच लाइक आई सेड अर्लियर एसो वट एवर अवेलेबल ऑन आर वेबसाइट ग्रोइंग क्राफ्ट और यू कैन इवन चेक द वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिस्ट ऑफ सप्लाइज सो यहाँ पे पहले हम हमारे राइस पेपर को अच्छे से स्टिक कर रहे हैं या आप जो भी डिकोपाज पेपर या नैपकिन जो भी यूज कर रहे हैं हमें इसे अच्छे से स्टिक करना है एंड देन उसके ऊपर हम वापस एक कोट लगाएंगे हमारे डिकोपाज ग्लू का अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे हमारा व्हाइट कलर का जैसो सो so जैसो अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अनुकूल ब्रश एंड जो भी हमारा डिजाइन पार्ट है हम उसको पूरा कवर करेंगे जैसो से जैसो लग जाने के बाद अब हम यहां पर करेंगे हमारा कलर ब्लेंडिंग एंड यस yes, यहाँ पे मैंने जो भी शेड्स लिए हैं ऑल शेड्स आर ऑलरेडी देयर ऑन माय डिकोपाज पेपर सो यस यू कैन आयदर डू द कंट्रास्ट कलरिंग आई डिफरेंट कम्पलीटली डिफरेंट शेड्स भी ले सकते हैं आप सिमिलर शेड्स भी यूज कर सकते हैं पेंट्स जो मैं भी यहां यूज कर रही हूँ ऑल ऑफ आर चॉक पेंट्स एंड दे आर द बेस्ट पेंट्स विच यू शुड यूज फॉर योर डिकोपाज एंड योर मिक्स मीडिया आर्ट कलर ब्लेंडिंग करने के लिए स्पंज डॉबर्स से बेटर कोई टूल नहीं है आई एब्सोल्युटली वाउच फॉर ब्लेंडिंग टूल्स सो ये डॉबर्स आर वन ऑफ दी बेस्ट हीट गन से हमारे शेड्स को ड्राई करने के बाद अब हम इसके ऊपर करेंगे हमारा वाइट कलर का कोटिंग ऑफ कोर्स वी कैन नॉट लीव आर प्लेट लाइक दैट सो यहाँ पे स्पंज डॉबर के हेल्प से आई एम गोइंग टू पुट टू लेयर्स ऑफ वाइट चेयर सो यू कैन इवन पुट ब्लैक चेस् सो इट्स एब्सोटली फाइन बिकॉज दिस इज जस्ट टू कवर अप द कलर्स ऑफ माई प्लेट्स सो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी मच ऑफ डिफरेंसेज सो हेयर आई एम यूजिंग टू कोट्स ऑफ व्हाइट सो एंड येस यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अप्लाई इवन कोट ऑफ चेसो ऑन योर प्लेट जैसो ड्राई so हो जाने के बाद यहां पे हम करेंगे टू कोट्स ऑफ वार्निश दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट हर कोट ऑफ वार्निश के बाद में यू हैव टू लेट इट ड्राई फॉर थ्री टू फोर आवर्स फाइनली ये पूरा ड्राई हो जाने के बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारा मेटालिक चॉक पेंट एंड विद द हेल्प ऑफ असपंचॉवर आई एम गोइंग टू कवर द साइज ऑफ माई प्लेट एंड इससे हम सिर्फ एक बहुत सुंदर थेन बॉर्डर बनाएंगे एंड येस विद दिस आर प्रोजेक्ट इज डन ऑफकोर्स ऑफ कैमरा मैंने मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर एटलीस्ट टू कोर्ट्स ऑफ वॉनिश और किया है सो so देट मेरा जो भी ग्लास प्लेट है वो अच्छे से सील हो जाए एंड देन आई कैन यूज इट एज अ डेकोरेटिव पीस ऑफ आर्ट So, I really, really hope you guys enjoyed this video. And yes, do check our website greencraft.com. Do leave your comment and let us know how you enjoyed this tutorial. And do share this. Thank you. Take care. Bye bye.